Assalamu alaikum students, today we have a maths lecture of class 6. Okay, let's start our exercise, which is exercise 1.1 of page number 5. ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. रफ नोटबुक्स में हमने इसकी प्रैक्टिस भी की है, बट अगेन ये आपके उसमें एक होमवर्क में आ रहा है तो मैं अगेन आपके लिए रिपीट कर देती हूँ. अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो भी इस लेक्चर से देख लें. ठीक है, ओके. फर्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन. हमारे पास क्वेश्चन आप लोग पहले पूरा पढ़ा करें, उसमें डिमांड हमारे पास क्या की गई है. स्टेट गिविंग रीज़न वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सेट और नॉट. इसमें हमें बताना है कि जितने भी आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन हैं, आपने बताना है कि ये हमारे पास सेट हैं या नहीं है. फर्स्ट तो आप लोगों ने सेट की डेफिनेशन हमने लिखी थी, वो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि उसमें हमारे पास एक सेट होना चाहिए जिसमें हमारे पास सेट इज़ अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. प्रॉपर उसमें कोई रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होनी चाहिए कि अगर 1, 2, 3 है, अगेन 1, 2, 3 आ रहा है तो वो हमारे पास सेट नहीं होगा. ठीक है, फिर हमारे पास की प्रॉपर स्टेटमेंट्स प्रॉपर्टीज़ हमने जितनी भी सेट में पढ़ी थी वो उसमें क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए. ठीक है, अब देखें आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, आपके पास क्या है, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. अब कहते हैं कि आपके पास इस बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट सॉल्व, कि वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन से हैं. ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करने हैं. अब हमें बुक का तो पता है, बुक मेंशन है, बट हर बच्चा, अगर मेरे पास एक क्लास में 12 बच्चे हैं तो हर बच्चा डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स निकालेगा. ठीक है, तो वो तो मैं एक सेट में नहीं बना सकती ना. अगर देखें मेरे पास एक सेट बनाती हूँ, जैसे अगर एक स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम्स निकालता है कि उसे क्वेश्चन नंबर 1 डिफ़िकल्ट लगता है, क्वेश्चन नंबर 2 डिफ़िकल्ट लगता है एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिफ़िकल्ट लगता है. ठीक है, अगेन ये स्टूडेंट नंबर 1 हो गया. स्टूडेंट नंबर 2 है, अगेन वो कहता है कि उसे कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगता है, क्वेश्चन नंबर 3 डिफ़िकल्ट लगता है, क्वेश्चन नंबर 4 डिफ़िकल्ट लगता है. ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक के अलग अलग डिमांड्स हैं. ठीक है, तो मैं कितने सेट्स बनाऊँगी, तो प्रॉपर सेट्स तो ना हुआ ये. ठीक है, कि और इसमें रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स भी हो रहा है, कि इसमें भी इसको 3 क्वेश्चन में मसला है, इसमें भी इसको 3 क्वेश्चन में मसला है. ठीक है, तो सेट की हमारे पास डेफिनेशन ये है कि उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए. कि हमें अगर ये सेट प्रॉब्लम दी हुई है इस बुक में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किसी एक बच्चे के लिए होनी चाहिए, सब बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए. तो मैं रीज़न क्या लिखूँगी इसका, रीज़न मेरे पास होगा, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द नेम ऑफ स्टूडेंट इज नॉट मेंशन. So it is not a set. ये हमारे पास रीज़न है, समझ आ गई. देखें अब इसमें हमारे पास अगेन आप देखें, ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, कि इस बुक्स में से हमने क्या निकालने हैं, वो प्रॉब्लम्स निकालने हैं जो हमारे लिए मुश्किल हों. अब इसमें किसी स्टूडेंट का नेम नहीं दिया हुआ है, हर बच्चे के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मुश्किल होंगे. तो ये हमारे पास क्या है, एक तो वेल डिफाइंड भी नहीं है, दूसरा इसमें प्रॉपर हमें कोई भी मैंशन नहीं दिया हुआ स्टूडेंट का नेम, कि किस कौन से स्टूडेंट के लिए ये बुक के क्वेश्चन फाइंड आउट करने डिफ़िकल्ट हैं. ठीक है, फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट आप इसके साथ देख लें, हमारे पास है ऑल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक विच आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व फॉर अमजद. अब यहाँ देखें कि इसमें हमारे पास ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस बुक, इस बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो किसके लिए डिफ़िकल्ट हैं, मुश्किल हैं, फॉर अमजद. यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है स्टूडेंट का, वो क्या है, अमजद. तो अमजद को जो जो क्वेश्चंस मुश्किल लगेंगे वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करके और अपने लिए एक सेट बना लेंगे. इसमें नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स भी नहीं होंगे, उसको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 3 मुश्किल लगता है, क्वेश्चन नंबर 4 मुश्किल लगता है, तो वो हम अपने लिए एक सेट में बना सकते हैं. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपके पास है, अगेन हम इसकी स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, सो इट इज़ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट बिकॉज द नेम ऑफ स्टूडेंट इज मेंशन. ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैवियर देन 26 ग्राम.
अब यहाँ पर देखें आप, वो कहते हैं ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैवियर देन 26. अब ये स्पेसिफिक हमें एक गिवन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है कि 26 से जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपने बताने हैं. तो 26 से जितने भी हैवी होंगे वो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम. अब यहाँ देखें, स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में आपने बताना है कि स्टूडेंट्स कितने हैं, या नेम्स बताएं, या कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, क्या ये सेट है? अगर हम देखें स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, अब कौन सी क्लासरूम, क्लासरूम मेंशन है क्लास 1, क्लास 3, क्लास 4. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लासरूम मेंशन नहीं है. ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. अगर यहाँ पे लिखा होता स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ क्लासरूम ऑफ 6, तो हम बता देते कि क्लासरूम 6 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने हैं, या उनके नेम्स ये हैं. ठीक है, लेकिन ना तो यहाँ पर नेम्स मेंशन है, ना यहाँ पे क्लासरूम मेंशन है कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है. तो ये भी हमारे पास क्या है, सेट नहीं है. अब यहाँ देखें, आपके पास है बुक्स इन योर स्कूल बैग. आपके स्कूल बैग में कितनी बुक्स हैं, मेंशन हो गया कि स्कूल बैग, प्रॉपर हमें पता चल गया बैग, बुक्स, बुक्स बतानी है इन योर, आपके बैग में. तो आप अपने बैग में ईजिली बुक्स फाइंड कर सकते हैं ना, कि आपकी बुक्स में 4 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, 7 बुक्स हैं. वो आप यहाँ सेट लिख सकते हैं कि मेरे पास, आप एक सेट बनाएं, उसमें लिखें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामियात, SST. ये आपके पास एक बुक का सेट हो गया कि आपके स्कूल बैग में ये बुक्स हैं. क्लियर हो गया. काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 5 to 15, आपने क्या करना है, 5 से 15 तक नंबर्स काउंटिंग लिखने, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर सेट है. हमें नेम नंबर्स गिवन है कि 5 से 15 तक जाना है. तो ये भी एक क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है. स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हु आर टॉलर देन यू. आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट भी मेंशन है, ऑफ़ योर क्लास, आपकी क्लास में से, आपकी 6 क्लास में से जो स्टूडेंट्स आपसे बड़े हैं, लंबे हैं, वो क्या करना है, आपने क्या करना है, उनके नेम्स बना के सेट गिवन करना. क्लियर हो गया. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 and 5. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स. इसमें आपने बताना है कि इक्वल सेट क्या होते हैं. फर्स्ट यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट ऑन पेज नंबर 7. ओके, इक्वल सेट्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 sets A and B आर सेट टू बी इक्वल. 2 sets A and B तब हमारे पास इक्वल होंगे इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स, कि अगर उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे. एक मेरे पास सेट ए है, एक मेरे पास सेट बी है, इसमें 1, 2, 3 है, इसमें भी 1, 2, 3 है. अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे पास और सेम ही डिजिट्स होंगे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वल सेट है. यहाँ पे भी 3 है और 1, 2, 3 सेम नंबर्स हैं, यहाँ भी मेरे पास सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल सेट हैं. और इक्वल सेट के लिए हम इधर नोटेशन क्या लगाते हैं, सिंबल क्या लगाते हैं, ये इक्वल का साइन लगाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन है इक्वलेंट सेट्स. इक्वलेंट सेट्स क्या होते हैं, इसमें भी हमारे पास 2 sets होते हैं, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वलेंट. वो तब सेट इक्वलेंट कहलाते हैं जब उनके क्या हों, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, बट नॉट नेसेसरी द सेम मेंबर्स. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके मेंबर्स जो हैं वो भी क्या हों, सेम हों. अब यहाँ देखें हमारे पास क्या है, ए और बी 2 sets हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ ABC है. ठीक है, यहाँ पर देखें दोनों सेम थे, अगर यहाँ 1, 2, 3 था तो यहाँ भी 1, 2, 3 था, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा है, इक्वल सेट कहा है. लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ये ज़रूरी है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ भी 3 ही एलिमेंट्स होनी चाहिए, बट देयर मेंबर्स जो हैं वो अलग हो सकते हैं. यहाँ पर 1, 2, 3 है, यहाँ पे 4, 5, 6 भी हो सकता है, यहाँ ABC है, यहाँ 1, 2, 3 भी हो सकता है. इसे हम कहते हैं इक्वलेंट सेट. ठीक है, ओके, एक्सरसाइज देखें, आपके पास है पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स. अब इक्वल सेट्स की आपको पता चल गया, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, देयर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, दे हैव सेम एलिमेंट्स. ठीक है, अब यहाँ 0, 1, 2, अब यहाँ देखें 0, 1, 2, 3, तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर क्या है, 3. सी वाला देखें 1, 2, 0, तो ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ना, 0 भी है, 1 भी है एंड 2 भी है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू सी बिकॉज दे हैव सेम एलिमेंट. क्लियर,
अब आप देखें नेक्स्ट आपके पास है बी एंड डी। अब बी एंड डी 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 अगेन दे बोथ हैव सेम एलिमेंट्स, तो हम इन दोनों के साथ भी लिख सकते हैं बिकॉज दे हैव सेम एलिमेंट्स, दैट इज़ वाई बी इज़ इक्वल्स टू डी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि उनके क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स, सेम क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए बट नॉट नेसेसरली द सेम मेंबर्स, कि उनके मेंबर्स हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सेम होने चाहिए। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3 ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 दे बोथ हैव द सेम एलिमेंट्स बट दे हैव नॉट नेसेसरी द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स। अब यहाँ ए बी सी है, यहाँ आई जे के है, लेकिन हम लोग इसे कैसे इक्विवेलेंट करेंगे कि इसके पास भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसके पास भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ए इज़ इक्विवेलेंट का साइन हमारे पास कैसे होता है, ऐसे होता है ए इक्विवेलेंट बी बिकॉज, और आप नीचे स्टेटमेंट लिख दें बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट नॉट नेसेसरली द सेम मेंबर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है सी एंड डी। अब सी में भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 and 10 और यहाँ पर पे भी क्या है 0 and 1, तो अगेन हम इसको कह सकते हैं सी इज़ इक्वलेंट टू डी बिकॉज देन दे हैव सेम एलिमेंट बट नॉट नेसेसरी द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, नाउ आपने होमवर्क में क्या करना है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 आपने ये करना है, ठीक है, और इन योर नीट नोटबुक्स एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ठीक है, इसको आप अच्छे से डेफिनेशंस रीड कर लें और इस बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।